आगामी लोकसभा चुनाव में अभी करीब 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन तमाम दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि बीजेपी एक बार फिर से 2019 में सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, लेकिन कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार पर भारी पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 मुद्दों को जो मोदी सरकार की सत्ता में वापसी पर पानी फेर सकते हैं। नंबर 1, रोजगार। नरेंद्र मोदी ने केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हालांकि आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान करीब 7 करोड़ लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे काफी दूर नजर आती है। नंबर 2, कीमतों में बढ़ोतरी। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने एक नारा उछाला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में महंगाई मुंह बाए खड़ी है। हालांकि मोदी सरकार महंगाई कम होने का दावा करती है, लेकिन आंकड़े इसके उलट कहानी बयां करते हैं। खाने के सामान से लेकर डीजल पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी का लोगों के जनजीवन पर खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। नंबर 3, नोटबंदी। मोदी सरकार ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बताया था, लेकिन नोटबंदी का फैसला सरकार के लिए आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि इसने अनौपचारिक क्षेत्र को तबाह कर दिया है। नंबर 4, किसानों की आत्महत्या। बीजेपी ने 2014 में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को भी खूब भुनाया। बीजेपी ने किसानों की खुशहाली लाने का वादा किया था, लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। देश में हर साल करीब 12 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की खुदकुशी के पीछे कर्ज और खेती में हो रहे घाटे को बड़ी वजह माना गया है। और नंबर 5, कश्मीर घाटी में अशांति। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने कश्मीर और पाकिस्तान को बड़ा हथियार बनाया था। बीजेपी ने एक सिर के बदले 10 सिर लाने के वादे किए थे, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर मोदी सरकार को कोई खास सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। घाटी में जहां आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं सीमा पर भी सीजफायर का उल्लंघन भी बदस्तूर जारी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।